दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सब मिलकर सीखने वाले हैं कि जियो ऐप से किसी भी पर्सन की कॉल डिटेल कैसे निकालते हैं। आप वीडियो को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे जिससे आप किसी भी जियो नंबर की कॉल डिटेल को निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको करने का होगा कि यदि आपने जियो ऐप ऑलरेडी पहले डाउनलोड कर चुके हैं तो आप उसको अपडेट कर लेंगे। जैसे आप प्ले स्टोर पर जाते हैं, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ एक सर्च का एक आइकन शो हो जाएगा। आपको सर्च वाले आइकन पर क्लिक करके आपको जियो जैसे आप डाल देते हैं, डालने के बाद आपके सामने जियो आ जाएगा। जैसे आप जियो आ जाता है तो यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे अपडेट कर चुका हूँ इसलिए मेरे को ओपन का ऑप्शन शो हो जाएगा। लेकिन यदि आपने अपडेट नहीं किया है तो आपको अपडेट कर लेना है। यदि आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको कहने का होगा कि इसको ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करते हैं, ओपन करने का कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको सबसे पहले यदि आपने डाउनलोड किया हुआ है तो आप वहाँ पे नंबर मांगा जाएगा। नंबर डाल के आप OTP नंबर डाल के आप यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको करना क्या होगा कि यदि आप अपना खुद ही कॉल डिटेल निकालना चाहते हैं इसके लिए आपको मेन्यू बार पे जाना होगा। जैसे आप मेन्यू बार पे जाते हैं, मेन्यू बार पे जाने के बाद बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे जाना होगा। यदि आप किसी अदर पर्सन के कॉल डिटेल निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रोफाइल एंड सेटिंग पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल एंड सेटिंग पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का एक न्यू पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पे ऊपर प्रोफाइल का ऑप्शन शो होगा और लिंक अकाउंट का ऑप्शन शो होगा और सपोर्ट का। आपको लिंक अकाउंट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लिंक अकाउंट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको आपका प्राइमरी नंबर शो होगा जो आपने जिस नंबर से आपने लॉगिन किया हुआ है वो नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। और नीचे साइड में आपको एक ऑप्शन शो होगा, आपको यहाँ पे लिंक न्यू अकाउंट का ऑप्शन शो हो जाएगा। आपको लिंक न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा जिसमें आपको मोबाइल, जियो फाइबर, जियो फाइव, जियो लिंक हेतबे। तो आपको यहाँ पे अपना दूसरे पर्सन का निकालना है तो इसके लिए आपको मोबाइल पर क्लिक करेंगे और उस पर्सन का मोबाइल नंबर डालना है जिसकी आपको कॉल डिटेल निकालनी है। यहाँ पे जैसे आप डाल के मोबाइल नंबर आप डायरेक्ट OTP क्लिक करेंगे। जैसे आप OTP फिलअप कर देते हैं तो आपके अकाउंट पे ये नंबर जुड़ जाएगा। नंबर जुड़ने के बाद आपको करने का होगा सिंपल से इसको बैक करना होगा। बैक करने के बाद एक बार आपको सिंपल से इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको जो यहाँ लिंक जियो नंबर शो हो रहे हैं इसमें वो नंबर आ जाएगा। जैसे मैं ये वाला नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे प्रीपेड मोबाइल जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर शो हो रहा है एक एरो का ऑप्शन शो होगा। तो आपको एरो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एरो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्विच अकाउंट का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। आपको स्विच अकाउंट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप स्विच अकाउंट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने जितने मोबाइल नंबर आपने लिंक किया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको जिस पर्सन के निकालना है तो उसी पर्सन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो प्राइमरी नंबर शो हो रहा था वो आपका जिस नंबर की कॉल डिटेल निकालेंगे वो नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे शो हो जाता है, शो होने के बाद इसको आप बैक करेंगे और यहाँ पे आपको मेन्यू बार पे जाना होगा। जैसे आप मेन्यू बार पे जाते हैं, मेन्यू बार पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको स्टेटमेंट पे जाना होगा। स्टेटमेंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे डे सेलेक्ट करना होगा कि आपको कितने डेज तक कॉल हिस्ट्री निकालना है। जैसे मैं यहाँ 30 डेज पे तक के निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 30 डे पे क्लिक करेंगे। जैसे 30 डे पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन ऑप्शन है। यदि आप ईमेल में लेना चाहते हैं तो ईमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं स्टेटमेंट को तो डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका स्टेटमेंट दिखा जाएगा। जैसे मैं व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद व्यू स्टेटमेंट पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद थोड़ी डाउनलोडिंग लेगा। डाउनलोडिंग लेने के बाद आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको करना क्या होगा, यूजर्स एंड चार्जेस पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यूजर्स एंड चार्जेस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यदि आप डाटा का चेक करना चाहते हैं तो डाटा के नीचे क्लिक हियर शो हो रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। यदि आप वॉइस कॉल की देखना चाहते हैं तो आप वॉइस कॉल के नीचे आपको क्लिक हियर का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। यदि आपको एक्समेस का देखना है तो एक्समेस के नीचे आपको क्लिक हियर का ऑप्शन शो हो रहा है।
तो मैं यहाँ पे वॉइस निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वॉइस पे क्लिक करेंगे, वॉइस पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक हेयर पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने आपकी पूरी कॉल डिटेल आ जाएगी। यदि आप देखना चाहते हैं कितने सेकंड यहाँ पे आपको यहाँ पे सेकंड भी शो हो रहा है कि इतने सेकंड आपसे यह बात हुई है। थैंक यू, वीडियो पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लास को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं।